तो फाइनली मैं इस कोरोना काल के सीजन में क्लास 9 से क्लास 10 में प्रमोट हो चुकी हूँ. सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक अगेन टू माई चैनल क्यूट आशी एंड दिस इज आशी. सो गाइज आई एम बैक विद एन अनदर वीडियो. सो बेसिकली आपको जैसा कि पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास जो भी क्लास से नए सेशन में गए लाइक दे हैव प्रमोटेड टू देयर न्यू सेशन एंड उन सब का एक नया सेशन शुरू हो चुका है. सो बेसिकली मेरा भी फाइनली आई कॉन्ग्रेट्स टू मी दैट आई प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 10 फाइनली. तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9 तो किसी तरह विदाउट दैट मच स्टेशनरी तो चला गया, बट क्लास 10 आ रहा था भाई, कुछ स्टेशनरीज लेनी थी ना. तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ स्टेशनरीज आपको दिखाने जो मैं अपने अपने स्कूल के लिए लेके आई हूँ, जो मेरे न्यू जो सेशन शुरू हो रहा है उसके लिए लेके आई हूँ. ठीक है, तो बेसिकली आज मैं गई थी मार्केट और आज मैं लेके आई हूँ बहुत सारी स्टेशनरीज. आपको पता है कि न्यू सेशन है तो कुछ स्टेशनरीज तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो मैं इस बार कुछ यूनिक ज्यादा लेके नहीं आई हूँ, बट जो हमें नॉर्मली यूज होता है फॉर द न्यू सेशन और खास करके मैं क्लास 10 में चली गई तो थोड़ी बच्ची वाली चीज मैं कम लेके आई हूँ. I've controlled myself. देखो अब आगे जाके क्या होता है वो आप देखोगे. तो गाइस इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखने से पहले इस वीडियो को पहले पॉज करो, लाइक करो और इस चैनल को क्यूट आशी चैनल को प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ और भी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो यार. बहुत मेहनत लगती है यार शूट करने में ना, और सब्सक्राइब तो भूल ही नहीं सकते, सब्सक्राइब करना. ठीक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. बुक्स तो आएंगी आएंगी ना, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे पैकेट्स हैं जो मैं लिख रही लाइक दीज आर माय क्लास 10 की बुक्स. ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो मैंने ले ली है. ठीक है, फॉर माय सेल्फ स्टडी फॉर माय बोर्ड्स. चलो अब ये तो हो गई बुक्स की बारी, अब लिखेंगे कहाँ, कॉपी चाहिए कि नहीं चाहिए. ये देखो ये बंडल्स में कॉपी बंधी हुई है, रुको रुको मैं आपको दिखा रही. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फाइनली ये रस्सियां कट चुकी है रामू के चाकू के हेल्प से. एनीवे सो बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्योंकि इट्स बोर्ड्स टाइम तो मैंने थोड़ा सा यू नो दिखाया है मैच्योरिटी यू नो, तो मैंने बहुत एक सिंपल सी नोटबुक ली है फॉर माय ट्यूशन फॉर माय प्रैक्टिस. तो बेसिकली मैंने थोड़ी सी मोटी सी नोटबुक ली है, तो यू हैव अ सिंपल प्लेन नोटबुक तो जिसमें दो लाइन होता है नॉर्मल, तो इसमें वी विल प्रैक्टिस आवर मैथ्स साइंस. तो ये मैंने दो नोटबुक लिया एंड ईच नोटबुक वाज ऑफ 65 रुपीस और 70 रुपीस. ओके, नेक्स्ट मैंने अपनी यूजुअली स्कूल्स के लिए, ठीक है, तो स्कूल्स के लिए मैंने यहाँ पे टू बंडल्स ऑफ नोटबुक्स लिए. ये नॉर्मल नोटबुक है बेसिकली, ये है नोटबुक, ये है नोटबुक का फर्स्ट पेज, ये है नोटबुक का सेकेंड पेज. तो दिस इज द नॉर्मल, दिखा ऐसे रही हूँ ना लगता है आपने कभी जिंदगी में नोटबुक देखी नहीं है. चलो कोई बात नहीं, तो ये मैंने नोटबुक्स लिए, तो ये हो गया नोटबुक का सेशन एंड बुक का सेशन खत्म. अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, तो बेसिकली मैंने अभी लिया है कुछ पेन. तो भाई पेन के बिना क्या कोई नया सेशन शुरू हो सकता है? चलो मैं पेन दिखाती हूँ. तो बेसिकली फॉर पेन्स आई हैव अ न्यू कलेक्शन, जो मैंने अपने कलेक्शन में ऐड किया है वो है न्यू ब्रांड के पेन्स, जो कि मैंने अभी अपने रिसेंटली कलेक्शन में ऐड किया है, वो है ये रोजीटो के फैंटा फ्लो बॉल पेन. आपको पता होगा या नहीं पता होगा, बट मुझे बॉल पेन से लिखना ना सॉरी जेल पेन से लिखना मुझे बहुत पसंद है, बट इस टाइम मैंने बॉल पेन को ट्राई किया है और ये ऐसा वैसा बॉल पेन नहीं है, ये बहुत सही वाला बॉल पेन है. मतलब जिन लोगों को ना डीप लिखना पसंद है ना, वाह ये उनके लिए बेस्ट बॉल पेन है. तो ये रोजीटो का फैंटा फ्लो बॉल पेन है, जिसमें मैंने एक बॉक्स ब्लू का लिया है और एक बॉक्स ब्लैक का लिया है. ये मुझे 150 रुपीज ईच बॉक्स पर है. ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट के साथ, क्योंकि मुझे भैया है ना वो हमें जानते हैं बहुत पहले से, तो मैंने बोला भैया 5 रुपए तो छोड़ दो, छोड़ दिया. चलो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ. इसके साथ आपको एक पेन मिलता है, एक पतला सा जिसमें 20 पीसेस होता है. ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देती हूँ कितना अच्छा ये दिखाता है. ये चलता है आपको ब्लैक वाला पेन, बहुत सही वाली, बेस्ट
बहुत सही वाली है, बहुत मोटी है, बहुत बोल्ड दिखा, ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ट्रांसफॉर्म बेसिकली किया है जेल पेन से बॉल पेन में, तो आई गेस उनको ये वाला पेन ट्राई करना चाहिए क्योंकि उसके बाद वो फैन हो जाएंगे बॉल पेन के, क्योंकि मुझे बॉल पेन बिल्कुल पसंद नहीं थे, बट ये से आई लव बॉल पेन। ठीक है, ब्लू का भी दिखा देती हूँ। तो ये थी ये ब्लू वाली की स्कॉच, देख सकते हो क्या मोटी लिखा रही है, वाली की स्कॉच है, बहुत प्यारा लिखा था। ठीक है, चलो भाई पेन वेन तो हो गया, बहुत हो गया, चलो अब आगे बढ़ो भाई। क्यों ताशी क्या कर रहे हो, एक घंटे से एक पेन पे लेके बैठे हो, बढ़ रही हूँ आगे। So basically guys, इसकी जो MRP है वो 200 रुपीज है, but यहाँ पे हमारे एक शॉप है तो वहाँ पे आई गेट ऑफ, तो इसलिए मुझे 150 रुपीज के मिले। आपके वहाँ जो भी मिलता है आप ले सकते हो, मतलब जिसके डिस्काउंट मिलता है उसको एक्सेप्ट करो यार, डिस्काउंट मिलता है, चलो कोई बात नहीं। सो बिकॉज योर गर्ल इज सो इनसिक्योर कि मुझे लगा कि ये पेन जल्दी मिलता ही नहीं, एक्चुअली ये पेन सच्ची में कहीं नहीं मिलता, क्योंकि एक बार ना मेरे पापा ये पेन ले गए थे, उसके बाद मुझे बहुत पसंद आ गया, उसके बाद मुझे कहीं पेन मिला ही नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं रिस्क नहीं लूंगी, इससे अच्छा जाकर के पूरा डब्बा उठा लो। तो दिस इज full of insecurity, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं आगे से। पेन तो हो गई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब पेन्स को रखने के लिए कहीं पे इंतजाम तो करना पड़ेगा, सो आई बॉट अ न्यू क्यूट लिटिल स्टेवन बॉक्स। देखो गाइस, चाहे मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं तो लव फॉर स्टेशनरी ना विल नेवर एंड, लाइक never ever, I can write in a paper, like it will never end, okay, so, ta-da, ooh, what a stunning box, guys, kya box hai yaar ye, like, jo maine isko dekha na, maine bola isko main nahi chhodne wali hu, theek hai, so basically, ye fully packed hai, aur something, kaise khulta hai, ruk jao, main kaise khulta hai, कुछ भी रखोगे, क्योंकि कुछ चीजें जो कि इस ट्रांसपेरेंट सी ग्लास से दिखेगी। ठीक है, हियर इज द अनदर कंपार्टमेंट टू कीप योर एनी काइंड ऑफ इरेजर, इधर शॉपनर, एंड दिस इज योर मेन कंपार्टमेंट। Look at this. How cute this is. And at the back, this is kind of a normal one. And it's got color now. Bahut pyara hai. Hello everyone. So, ye mujhe bahut sahi laga hai, to isliye maine isko just liya. And this was for 350 rupees. So, I guess it's a bit expensive. बट जो इसकी क्वालिटी है ना वो अदर स्ट्रूमेंट बॉक्स की तरह नहीं है, मतलब जो इसका अपका जो बॉडी की कोटिंग की हुई है ये लेदर से, वो नॉर्मल वाले स्ट्रूमेंट बॉक्स में नहीं होती है, तो यूजुअली हम लोगों को 200 तक मिलती है, बट द क्वालिटी इज वेरी नाइस, और ये जो शीट इसके ऊपर लगी है बहुत प्यारी, मुझे बहुत सही लगा इसकी क्वालिटी, ऐसा मतलब टूट नहीं जाएगा, और मैग्नेट की क्वालिटी बहुत अच्छी, तो आई गेस 350 रुपीस बहुत है यार, सही है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, आई लाइक दिस, लुक हाउ द ब्यूटीफुल कलर शाइन है। It have a 5 color and it is a brand called Cody's Smoothing Highlighters. इसमें 5 colors, बहुत प्यारे प्यारे colors हैं and इसका जो MRP है वो 100 rupees है and each highlighter is for rupees 20 and so now let me show the swatch क्योंकि बहुत important होता है। देखो मेरे जैसा है ना, स्कॉचेस बहुत मैटर करता है, चाहे वो हाइलाइटर के हो या पेंसिल या किसी भी चीज के हो, अब तो इतनी बड़ी बात है, हाइलाइटर स्कॉच तो अच्छा होना चाहिए वरना मजा नहीं आता। सो ये देखो, तो ये सब शेड्स थे, ये देखो एक बार बताऊं गाइस, मार्केट में इतने महंगे महंगे हाइलाइटर्स मिलते हैं खास करके ऑनलाइन, एक बार बताऊं एक गलत सू पक्का, देखो 100 रुपीज में ना ये हाइलाइटर्स बहुत सस्ते हैं, अगर ये आपको डील मिल रही है ना 20 रुपीज फॉर ईच हाइलाइटर्स, वाओ, लाइक आई गॉट अ मोस्ट स्पेशियस आशीर्वाद फ्रॉम द पॉट, यस व्हाट इज, अगर आपके पास ऐसी डील आती है ले लो, वॉचेस मस्त है, मजा आ जाएगा, मैं बोल रही हूँ सच्ची बोलूंगी, बिकॉज आई एम सो कॉन्शियस अबाउट माई स्टेशनरीज। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब नेम प्लेट्स मैंने लिए हैं, बच्चों वाले यहाँ तो कभी जाने नहीं वाली, तो इसलिए मैंने उनको बोला भैया कुछ गर्लिश वाला नेम प्लेट देना,
तो जी मैंने टू प्लेट्स लाइक टू शीट्स ऑफ नेल पेंट्स नेम प्लेट्स लिए, मुझे पता नहीं कि इस डक का नाम क्या है, ये क्या है मुझे समझ आना, बट ये ट्यूटी है, ट्यूटी आई डोंट प्रोनाउंस इट, ट्यूटी जो भी है, ट्यूटी टीटी दैट इज दिस ट्यूटी, इसके बहुत ही प्यारे कैरेक्टर्स हैं एंड दिस वाज द नेम प्लेट आई गेस फॉर 2 or 3 rupees पर शीट. Now, moving to the next. Basically, what happens कि जब मैं वहाँ गई तो ये स्टेपलर डिस्प्ले पे था एंड ये मुझे बहुत सुंदर लगा तो मैंने इसको छोड़ा नहीं, बट मैंने इसको लिया. तो दिस स्टेपलर वॉज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड कंगारू एंड आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में कंगारू से कोई अच्छी ब्रांड होगी. सो दिस वॉज फॉर रुपीज, इतनी लाइट आ रही है मेरी आंखों में, मुझे कुछ नहीं खींचा, 120 rupees बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी इज टॉप क्लास. अब मेन सस्पेंस, मोस्ट ग्रीन बोर्ड जिसमें आप चॉक से लिख सकते हो एंड दिस इज योर व्हाइट बोर्ड जिसमें आपको मार्कर से लिखना होता है. तो पहले हम फटाफट इसको वो कर लेते हैं, लेमिनेशन को हटा लेते हैं क्योंकि मैंने वो दुकान वाले भैया के सामने हल्का सा पार्टी रखा था, तो दैट इज द थिंग हैपेंड ओवर हियर, बट पहले इसको हम लोग खा लेते हैं. तो बेसिकली गाइस हमें ब्लैक बोर्ड से कोई मतलब, यानी कि ग्रीन बोर्ड से कोई मतलब था नहीं, कोई मतलब नहीं था. तो दिस इज अ वुडन का डस्टर, तो इसको हम लोग इरेज करके देखते हैं. सो गाइस दिस इज क्यूट आशी साइनिंग ऑफ, दिमाग खराब हो गया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बाय 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 बाय. आपको पता है अभी टाइम कितना हो रहा है, रात की ना 11:30 बज रहे हैं और मैं 11:30 बजे आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ, प्लीज लाइक तो करना पड़ता है.